So, good evening to all of you. Good evening. आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं. इस वाले पेपर में वैसे पिछले पेपर के कंपैरिजन में मार्क्स सबके अच्छे आए हैं. आप सबके पेपर थोड़ा सा प्रॉब्लम टफ था आज, थोड़ा टफ था. इस लेवल का पेपर था. इतना भी टफ नहीं था. अगर कॉलेज लेक्चर वाला इस बार का पेपर देखो ना आप, तो आप बोलोगे कि मैम ये वाला पेपर इजी आया था. कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दे तो सब इजी था. नहीं, स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ था. कुछ क्वेश्चंस ज्यादा टफ थे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हर बार इजी इजी क्वेश्चंस ही अपन देखते रहेंगे. थोड़ा मिक्सअप चलना चाहिए ना. ऐसे फिर इजी इजी क्या कितना रहा हाईएस्ट स्कोर? हाईएस्ट अब मुझे ऐसे तो याद नहीं है, बट दिव्या का था जूलॉजी में. तो मैंने इसे ज्यादा गौर से नहीं देखा, बस ऐसे सरसरी निगाहों से देखा था, तो दिव्या का था शायद सबसे ज्यादा. कोई नहीं, अभी अपन देख लेते हैं, आपको इजी लगेगा देखना. कितने क्या हाईएस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं? मैंने वो भी नहीं देखा कितने किए हुए हैं. कितना है दिव्या का स्कोर? क्या दिव्या का स्कोर कितना है? वही तो बोल रहे हो आपको, मुझे भी स्कोर कंफर्म नहीं है. मैं आपको चेक करके अभी थोड़ी देर में डाल देंगे ग्रुप में, है ना? ओके मैम. तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, हार्ट बीट्स आर कंट्रोल्ड बाय ए नोडल कंपोज्ड ऑफ. ये तो इजी लगा होगा ना, इसमें तो कुछ है नहीं. देखो, अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो अपन ने ये तीनों नाम ही नहीं सुने जब अपने जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी, हार्ट की बात की थी, तो इन तीनों का नाम ही नहीं सुना था. तो ये इजीली अपन एलिमिनेट कर सकते थे, और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पुर्किंजे फाइबर हो जाएगा. ये जो नोडल है, इन नोडल के अंदर इसके अलावा और कौन कौन होता है? ऐसे नोड होती है, एवी नोड होती है, बंडल ऑफ हिज होता है, और देन लास्ट में प्रेजेंट होता है पुर्किंजे फाइबर. तो ये चारों मिलके हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं. इनमें जो सबसे मेन होता है वो कौन होता है? एसे नोड. एसे नोड से स्टार्ट होती है चीजें, फिर एवी नोड के पास पहुंचती है, फिर बंडल ऑफ हिज के पास, और लास्ट में पुर्किंजे फाइबर जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी वॉल के अंदर फैला हुआ रहता है, तो वो सब पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन करवा देता है. तो इस तरीके से हार्ट बीट कंट्रोल होती है. सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो मिक्सिंग अप ऑफ आर्ट्रियल एंड वीनस ब्लड डज नॉट टेक प्लेस इन ए हार्ट हैविंग. कि भाई आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है, ठीक है. वीनस ब्लड कौन सा होता है? जिसमें CO2 ज्यादा होती है, वेन्स के अंदर जो होता है. तो ये दोनों मिक्स कब किस टाइप के हार्ट में नहीं होंगे? तो जो टू चैम्बर्ड होगा, है ना, टू चैम्बर्ड जैसे फिशेज के अंदर होता है, उनके अंदर क्या होगा? ऊपर ऑरिकल, नीचे वेंट्रिकल, दो ही हैं, वही हार्ट यहीं से ब्लड आ रहा है, फिर वेंट्रिकल से जा रहा है ना. कॉनस आर्टेरियोसिस होता है, साइनस वीनोसिस होता है. तो फिशेस के अंदर जो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है उसके अंदर ब्लड की मिक्सिंग होती है. सेकेंड है फोर चैम्बर्ड, जो हमारे अंदर होता है, राइट साइड अलग होती है, लेफ्ट साइड अलग होती है,
ये लेफ्ट है या राइट है? हाँ जी शायद प्रतिभा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है उसका, आप देखना एक बार। अपने पास रिक्वेस्ट तो नहीं रखी वो दो बार? हाँ उनको बोलो फिर से देखिए एक बार। ओके फिर से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, अब की बार आएगी तो मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो फोर चैम्बर हार्ट में क्या होता है? राइट एंड लेफ्ट साइड, राइट ऑरिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। ऑरिकल ऑरिकल्स भी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से अलग रहते हैं और वेंट्रिकल्स के बीच में भी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है जो इन सबको सेपरेट रखने का काम करता है। तो फोर चैम्बर्ड हार्ट ही वो होता है जिसके अंदर ब्लड की मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती। राइट साइड के अंदर इम्प्योर ब्लड आ रहा होता है ना सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा की हेल्प से, फिर वो वेंट्रिकल में जाता है और यहां से फिर वो चला जाता है किसके पास में? लंग्स के पास में। फिर लंग्स ब्लड को प्योर करते हैं, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 वहां पे एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, और फिर लंग्स से वापस ब्लड किसके पास में आता है? लेफ्ट ऑरिकल के पास में आता है। लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, फिर लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो इम्प्योर ब्लड था और इस साइड में प्योर ब्लड चल रहा है, दोनों की मिक्सिंग नहीं हुई। थ्री चैम्बर्ड हार्ट की अगर बात करें तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट को अपन ट्रांजिशन हार्ट भी बोलते हैं, और इसके अंदर क्या होगा? दो ऑरिकल होंगे लेकिन वेंट्रिकल एक ही होगा। तो ऑरिकल्स के अंदर तो ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही, लेकिन जब वो वेंट्रिकल के अंदर आएगा तो कुछ हद तक ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे भी क्या होता है कि जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है वो थोड़ा जल्दी जल्दी बीट करता है ताकि इन दोनों ब्लड को आपस में मिक्स होने का ज्यादा टाइम नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे फिर भी ब्लड की मिक्सिंग हो ही जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। फिर थर्ड, एन ओवल डिप्रेशन कॉल्ड फोसा ओवलिस इज सीन ऑन। तो देखो जब अपन ने फीटस की बात की थी और फीटस का हार्ट देखें तो जो दोनों ओरिकल्स होते हैं उन दोनों ओरिकल्स के बीच में एक अपर्चर पाया जाता है, इस अपर्चर को बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ठीक है, ये अपर्चर सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है, जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट हो जाता है तो बेबी के अंदर ये जो फोरामेन ओवेल है ये फिल होता जाता है। बर्थ के टाइम तक ये पूरा फिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक गर्त रह जाती है ना, यहाँ पे एक स्कार सा रह जाता है, उसको ही अपन बोलते हैं फोसा ओवेलिस। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? दोनों ओरिकल्स के बीच के अंदर जो है वहां पे देखने को मिल रहा है। तो इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब कि कौन सा? दोनों एट्रियल के बीच का जो सेप्टम है ये हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, इसका काम क्या होता है फोसा ओवेलिस? क्या जरूरत है कि यहाँ पे जो ब्लड है उसकी मिक्सिंग हो? अब भाई यहाँ पे राइट ऑरिकल है और यहाँ पे लेफ्ट साइड है, राइट साइड के अंदर वही इम्प्योर ब्लड है, लेफ्ट साइड के अंदर प्योर ब्लड है, तो यहाँ पे क्या जरूरत है हमको कि हम यहाँ पे ये पोर रखें जिससे ब्लड यहाँ से यहाँ चला जाए? तो देखो जो फीटस होता है इनमें शायद अभी इसका फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं हुआ होता तो इसलिए प्योर ब्लड भी जरूरत पड़ती है ना बेबी को, इसलिए। तो कुछ हद तक सही है आपका आंसर भी कि फीटस के अंदर क्या होता है, लंग्स उनके अभी तक एक्टिवेट नहीं होते है ना, वहां पे फ्लूड भरा हुआ रहता है और वो अभी तक प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब राइट ऑरिकल के पास में ब्लड आएगा तो यहीं से फिर ब्लड लेफ्ट साइड में चला जाएगा, इसको लंग्स के पास में नहीं भेजा जाए, इसलिए यहां से ही फिर वो ट्रांसफर कर देते हैं। इस वजह से बेबीज के जो लंग्स होते हैं वो सेवंथ, जब प्रेगनेंसी का सेवंथ मंथ होता है उसके बाद में एक्टिव होना स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ हार्ट? तो ये देखने के लिए पहले अपने को स्टार्लिंग्स लॉ देखना पड़ेगा कि क्या होता है। तो देखो स्टर्लिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि अगर हार्ट है, ठीक है,
अगर हार्ट के पास में ज्यादा ब्लड आएगा, सिंपल सी बात ही है, अगर हार्ट के पास में ज्यादा ब्लड आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो वेंट्रिकल्स होंगे, इन वेंट्रिकल्स की बात हो रही है, इन वेंट्रिकल्स की जो वॉल होगी उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और इन पे जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ये उतना ही जल्दी और उतनी ही तेजी से जो ब्लड है उसको यहां से निकालेंगे। एक अपन ने बात की थी कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट के अंदर अपन ने क्या देखा था, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट होती है अगर उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो कार्डियक आउटपुट आ जाता है। हार्ट बीट हमारी होती है 72 और ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है मतलब जब वेंट्रिकल्स तो वो कितना रहे हैं, तो वो कितना ब्लड निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। अभी अपने को नंबर्स में नहीं जाना, सिर्फ अपन को लॉ समझना है, हल्का सा वो देख लेते हैं ना। तो कार्डिक अच्छा क्या बता रही थी मैं, स्टर्लिंग ने क्या बताया कि अगर हार्ट के पास में ज्यादा ब्लड आता है मतलब वेंट्रिकल्स के पास में अगर ब्लड ज्यादा आ रहा है, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, तो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है इसको बढ़ा देते हैं। हार्ट रोल नहीं कर पाते, हैं रोल नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि इसको तो हमारा नर्व सिस्टम देख रहा होता है, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर इस वेंट्रिकल का कंट्रोल होता है। अगर वो ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा सकता है। तो यही बात है कि अगर वेंट्रिकल्स के पास में ज्यादा वॉल्यूम आया तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा देंगे और बहुत तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी वहां पे उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, बहुत तेजी से अपन ये भी बोल सकते हैं कि सिस्टोल होगा। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं हमारे आंसर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू स्टर्लिंग्स लॉ ऑफ हार्ट। तो ग्रेटर द स्ट्रोक वॉल्यूम ग्रेटर द हार्ट रेट। ये देखो यहां पे इस एक को ध्यान में रखो, स्टर्लिंग लॉ ने क्या बोला है, स्टर्लिंग लॉ ने तो सिर्फ इतना ही बोला है कि अगर ज्यादा वॉल्यूम आएगा वेंट्रिकल्स के पास में तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। स्टर्लिंग्स लॉ ने हार्ट रेट की कोई बात नहीं की, ठीक है। देन सेकेंड, ग्रेटर द इनिशियल लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर मोर द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट। अब इसके अंदर देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये थोड़ी लैंग्वेज इसके टफ हो गई। ये ऐसे बोल रहा है कि अगर कार्डियक मसल्स की लेंथ इंक्रीज होगी, अब कार्डियक मसल्स कहाँ होंगी, आपको पता है कि वेंट्रिकल्स के पास में ही ज्यादा मसल्स होती हैं, है ना। तो अगर इनकी ये मसल्स के ऊपर इनकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ कब बढ़ेगी, जब इनके अंदर ज्यादा वॉल्यूम अपन डालेंगे। भाई कोई हमारे पास में कोई, ये सपोज हमारे पास में कोई बैग है, इस बैग के अंदर अगर हम जरूरत से ज्यादा चीजें फिल कर देंगे तो क्या होगा, इसकी वॉल के ऊपर प्रेशर लगने लग जाएगा, तो इसकी वॉल क्या करेगी, स्ट्रेच होने लग जाएगी, और अगर उससे भी ज्यादा अपन इसके अंदर डालेंगे तो ये फट जाएगी। तो ये वही बात बोल रहा है कि अगर कार्डियक मसल फाइबर की लेंथ बढ़ती है तो अपने वही बात हो गई कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब इसके अंदर आने वाली चीज बढ़ रही है, ब्लड बढ़ रहा है, तो मसल के इन फाइबर्स के ऊपर प्रेशर लगेगा जिससे ये जो मसल फाइबर्स हैं इनकी लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। और स्टर्लिंग्स लॉ क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये जल्दी से कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, इनके अंदर कॉन्ट्रेक्सिटी बढ़ जाती है, सिस्टोल इनके अंदर बढ़ जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ये सेकेंड होगा, ये थोड़ी इसकी लैंग्वेज स्टफ है। थर्ड अपन देख लेते हैं, ग्रेटर द माइन्यूट वॉल्यूम ग्रेटर द हार्ट रेट। ये बात ही नहीं कर रहा हार्ट रेट की, पहली बात तो, है ना। एंड देन फोर्थ क्या दे रखा है, लेसर द लेंथ ऑफ कार्डियक मसल, क्या दे रखा है ये, ग्रेटर द, ये कट गया यहां से, मैं दूसरी फाइल में देखती हूँ एक सेकेंड। हाँ ये दे रखा है, लेसर द लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, मतलब इसका उल्टा दे रखा है ये, लेसर द लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, मसल फाइबर की लेंथ छोटी हो गई, ठीक है। और फिर बोल रहा है ये ग्रेटर द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट, अगर लेंथ छोटी हो रही है मसल फाइबर की तो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ रहा है, ये तो उल्टी बात हो गई। स्टर्लिंग क्या बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ा, सिंपल सी बात है अगर वॉल्यूम बढ़ा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा देंगे ये, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन फिफ्थ क्वेश्चन पे अपन देखते हैं,
हार्ट बीट्स आर एसिलरेटेड बाय, कि हार्ट बीट्स को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है। तो जब अपन ने हार्ट बीट पढ़ी थी तो अपन ने बात किया था कि नर्व सिस्टम हमारा इसको कंट्रोल करता है। नर्व सिस्टम के अंदर भी हमारा जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है ना, हमने दो की बात की थी, एक तो हमने बात की थी पैरासिंपैथेटिक की और एक हमने बात की थी सिंपैथेटिक की। तो जो ये सिंपैथेटिक होता है, इसकी जो नर्व्स होती हैं वो रिलीज कर रही होती हैं एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। जबकि जो पैरासिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं ये रिलीज कर रही होती हैं एसिटाइल कोलिन। तो अपन ने ग्राफ बना के समझा था कि जब भी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम वर्क करता है हार्ट रेट, हार्ट बीट्स के ऊपर, तो ये क्या करता है हार्ट बीट को, या हार्ट बीट को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। जबकि पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जब ये एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है तो उससे जो हार्ट बीट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जब भी हमारे कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है ना, उन कंडीशन के अंदर भी एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन भी आता है वहां पे, तो वहां पे भी सिंपैथेटिक नर्व्स काम करना स्टार्ट कर देती हैं और वहां पे भी हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि पैरासिंपैथेटिक तो हार्ट बीट को कम करता है और इसके अपोजिट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स की बात ही नहीं कर रहे, सिंपैथेटिक नर्व हो गया, देन फिर से क्रेनियल नर्व आ गई, और लास्ट है सिंपैथेटिक नर्व्स एंड एपिनेफ्रिन। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके जगह यहाँ पे अगर उल्टा दे रखा होता कि कौन उसको कम कर रहा है तो अपन किसकी बात कर देते, पैरासिंपैथेटिक की बात कर देते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेजी सेल्स अंडर लो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो रिलीज। जेजी सेल्स, जेजी सेल्स का मतलब होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, इनकी बात अपन अभी जब अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं वहां पे भी अपन इनकी बात करेंगे। जब अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक रास सिस्टम बताया था ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर देखो क्या होता है, सबसे पहले अलग से देख लेते हैं, ये हमारा लीवर, ठीक है, लीवर रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन आके ब्लड के अंदर, फिर आती है किडनी, किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स और ये रिलीज करती है रेनिन। ये रेनिन वर्क करता है एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर और उस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन वन के अंदर। इतना काम हो गया, फिर काम करते हैं हमारे लंग्स। लंग्स एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये यहां पे वर्क करता है और इसके वर्क करते ही एंजियोटेंसिन वन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन टू के अंदर। अभी एंजियोटेंसिन टू क्या करता है, ये जाके रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये वर्क करता है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वहां पे, ये क्या करता है सोडियम के एंड क्लोराइड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अब सोडियम और क्लोराइड के एब्जॉर्प्शन बढ़ने से हो रहा क्या है, देखो NaCl मतलब कि सॉल्ट अब्जॉर्ब कर रही है बॉडी, तो सॉल्ट अब्जॉर्ब होगा तो जहां पे सॉल्ट ज्यादा होगा, अभी सॉल्ट के पास में फिर H2O भी जाएगा, जिस साइड में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी वाटर उधर ही चला जाएगा, है ना। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर लो होता है,
लो ब्लड ब्लड प्रेशर के टाइम पे, लो बीपी के टाइम पे, उस कंडीशन में बॉडी क्या करती है, इसको मेंटेन करने के लिए दो काम करती है. एक तो ये करती है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन. वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर अपन ने देखा था कि ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है. अब ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाएगा तो ब्लड, ये जो वेसल्स होंगी इनको बीपी, जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा फील होने लग जाएगा. भाई एक तो कोई ये चौड़ी पाइप है, इसके अंदर से अपन पानी निकाल रहे हैं तो इनको यहाँ पे प्रेशर कम फील होगा, और एक कोई पतली पाइप है ना, और उसके अंदर फिर अपन वाटर निकाल रहे हैं या पास करवा रहे हैं तो यहाँ पे इनको ज्यादा प्रेशर फील होगा. तो यही काम हमारी बॉडी करती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनका डायमीटर कर देती है थोड़ा कम, उनको थोड़ा सिकोड़ देती है, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है वहां पे. तो यहाँ से एक तो इस तरीके से मेंटेन हो जाएगा ब्लड प्रेशर, और दूसरा वो क्या काम करती है, सॉल्ट्स का अब्सॉर्प्शन बढ़ा देती है. और सॉल्ट्स के पीछे पीछे पानी तो आएगा ही आएगा, और पानी रहेगा कहाँ पे, ब्लड में ही रहेगा. तो इस फ्लूड के अपन ने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा दिया. तो ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको अपन बोलते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. अब चलते हैं फिर से हमारे पेपर के ऊपर. ये क्या पूछ रहा था, तो ये पूछ रहा था जेजी सेल्स अंडर लो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो. लो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो का क्या मतलब है, हमने कल बात की थी बोमन कैप्सूल, और बोमन कैप्सूल के अंदर होता है ये ग्लोमेरुलस. अब यहाँ पे एफेरेंट आर्टेरियोल आ रही है और इफेरेंट जा रही है. अब यहाँ पे इनको लो ब्लड फ्लो फील हो रहा है, मतलब बीपी इनको कम फील हो रहा है. उस कंडीशन में जेजी सेल्स क्या रिलीज करेंगी, अभी अपन ने बात की थी रेनिन का सिक्रेशन करेगी, ठीक है. और एल्डोस्टेरोन के साथ साथ में यहाँ पे एंजियोटेंसिन जो टू होता है वो एडीएच का सिक्रेशन भी बढ़ा देता है. एडीएच बोल दो या वैसोप्रेसिन बोल दो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही होती है इसको. एडीएच या वैसोप्रेसिन क्या करते हैं, यूरिन के अंदर जो वाटर जा रहा होता है उसको कम से कम जाने देते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा वाटर को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, बॉडी के अंदर रखने की कोशिश करते हैं. तो ये हो गया एडीएच का काम. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया इसमें. हाँ जी, अपन लो होती है तो ये ये नॉर्मली ब्लड के अंदर तो रहेंगे ही, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन कम रहेगी. लेकिन जैसे ही बीपी लो होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हर सेल के पास में कोई ना कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ना. अपन ने जब हार्ट की बात की थी तो वहां पे भी अपन ने देखा था कैरोटिड आर्टरी के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स थे, वो भी पता कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर कम है या ज्यादा है. yes. ठीक है, इन चारों के काम अपन ने देख लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व इज नोटिस्ड अंडर. तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व की अपन ने बात की थी कि इस तरीके का कोई सिग्मोइड टाइप का कर्व आता है नॉर्मली. अब ये कर्व या तो राइट साइड में शिफ्ट कर सकता है या फिर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकता है, दो काम यहाँ पे हो सकते हैं. लेफ्ट साइड में अगर कर्व शिफ्ट कर रहा है ना, इस साइड में अगर कर्व शिफ्ट कर रहा है, अपन इसको अलग पेज पे देख लेते हैं. ये सिग्मोइड कर्व हो गया, ठीक है. अब दो बातें हैं, या तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाए या ये राइट साइड में शिफ्ट कर जाए. अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है तो लेफ्ट साइड का मतलब हो रहा है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो बढ़ रही है, और राइट साइड के अंदर अगर जा रहा है इसका मतलब एफिनिटी दोनों के बीच की कम हो रही है. एफिनिटी से अपने को क्या लेना है, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड करके लेके आ रहा है. अब अगर इसकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में एफिनिटी ज्यादा रहेगी तो उस कंडीशन के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा, और अगर उसकी ऑक्सीजन के साथ में जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इजीली ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा.
तो वो कंडीशंस याद रख लेना जिनमें हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उस कंडीशन के ऊपर ये जो अगर अपन कर्व देखेंगे तो वो राइट में जा रहा होगा। अब कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं, जैसे कि राइट साइड के अंदर कर्व कब शिफ्ट करेगा, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा। एक तो CO2 चाहिएगी ज्यादा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ पे रिलीज करता है, सेल्स के पास में जाके रिलीज करता है जहां पे CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब H+ की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। H+ आयन ज्यादा है इसका मतलब pH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और CO2 और H+ ज्यादा होने के साथ साथ वहां पे 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट की कंसंट्रेशन भी ज्यादा रहेगी। ये ज्यादा क्यों रहेगी, क्योंकि वहां पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है और मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, और इसके साथ में वहां पे टेम्परेचर भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर इनमें से कोई सी भी चीज हो रही है तो कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट की बात करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, CO2 कम pH ज्यादा। pH ज्यादा मतलब H+ की कंसंट्रेशन कम, 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट भी कम, टेम्परेचर भी कम। ये आपके RPSC के लेवल का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। समझ गए दोनों चीज, लेफ्ट में कब जाएगा जब एफिनिटी ज्यादा हो रही होगी, और राइट में कब जाएगा जब एफिनिटी कम हो रही होगी। एफिनिटी कम कहाँ पे होगी, हमारी सेल्स के अंदर जाके होती है ना। लंग्स से चला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके, और फिर ये अलग अलग सेल्स के पास में होता हुआ ब्लड घूम रहा है। सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो वहां पे CO2 ज्यादा है, 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट ज्यादा है, pH कम है और टेम्परेचर हमें ज्यादा मिलेगा, तो राइट साइड के अंदर कर्व शिफ्ट हो जाएगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को इजीली रिलीज कर देगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमारा, कि लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व इज नोटिस्ड अंडर कौन से सिचुएशंस के अंदर। लेफ्ट साइड में जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड pH, नॉर्मल में तो नहीं जाएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई pH। ये बात अभी अपन ने की थी कि अगर टेम्परेचर कम होगा और pH ज्यादा होगी, pH ज्यादा कब होगी जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा कर्व है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। लो pH और हाई टेम्परेचर, हाई के अंदर तो अपन ने बात जाते हैं, और लो pH एंड लो टेम्परेचर, लो pH तो सही है लेकिन यहाँ पे लो टेम्परेचर गलत हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज, बहुत अच्छे से देखा था अपने कार्डियक साइकिल की जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है। कार्डियक साइकिल के अंदर चार चीजें चल रही होती है, आर्ट्रियल और वेंट्रिकल्स के अंदर। एक बार तो एट्रियल के अंदर डायस्टोल चल रहा होता है, और एक बार ऑरिकल्स के अंदर क्या चल रहा होता है, सिस्टोल चल रहा होता है। इसी तरीके से वेंट्रिकल्स के अंदर देखा जाए तो एक बार क्या चलेगा, डायस्टोल और एक बार सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो ऑरिकल की जब अपन ने बात की थी तो अपन ने देखा था कि लगभग 0.7 सेकेंड तक उनके अंदर डायस्टोल ही चल रहा होता है। ब्लड थोड़ा बहुत ब्लड ऑरिकल्स के अंदर बच जाता है, उसको फिर सिस्टोल की हेल्प से पंप कर दिया जाता है नीचे की ओर वेंट्रिकल्स में, वो होता है सिर्फ 0.1 सेकेंड का। और अगर वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स के अंदर 0.5 सेकेंड्स तक डायस्टोल चल रहा होता है और 0.3 सेकेंड्स का सिस्टोल होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट हार्ट साउंड अकर्स एट, तो अपन ने ये बात भी की थी कि हार्ट है, ठीक है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड के अंदर बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, राइट साइड के अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, और यहां पे होते हैं वेंटिकल्स और जो यहाँ पे आर्टरीज निकल रही होती हैं, है ना, एरोटा वगैरह जो भी निकल रही होती है के पास में, यहाँ पे सेमी लूनार वाल्व होते हैं। तो जब ब्लड ऑरिकल से वेंटिकल्स के अंदर आ जाता है तो ये वाले वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो। तो जैसे ही ये बंद होंगे तो फर्स्ट साउंड आती है लब की, फिर जैसे ही ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर चला जाता है
तो ये वाल्व जो सेमिलूनर वाल्व होते हैं ये भी बंद हो जाते हैं, और जैसे ही ये बंद होते हैं झटके से तो वहां पे साउंड आता है डब। तो फर्स्ट साउंड किसकी वजह से आता है? ओपनिंग की वजह से तो नहीं आता, क्लोजिंग की वजह से आता है सेमिलूनर वाल्व की, नहीं। ऑनसेट ऑफ ऑरिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल से क्या मतलब है? देन ए सडन क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, इन्हीं की तो बात कर रहे हैं अपन। एवी वॉल्व, एवी वॉल्व ही है ना, एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच के अंदर है, इसलिए एवी वॉल्व इनको बोला है। तो ये वाला हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? इजी इजी चल रहा है क्या पेपर में? जी अब तो ठीक ठीक लग रहा है ना, अब तो इजी लग रहा है ना। अगर मैं खुद भी बोल रही हूँ, अगर कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देना, दो तीन क्वेश्चंस को, तो आपके लेवल का ही था। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन द हार्ट बीट इंक्रीजेस द कंडीशन इज कॉल्ड, हार्ट बीट इंक्रीजेस, एक तो नॉर्मल हार्ट बीट है, या तो इससे कम होगी कई कंडीशंस के अंदर, या कुछ कंडीशंस के अंदर क्या होगा, हार्ट बीट हमारी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब इंक्रीज हो जाएगी या हाई हो जाएगी, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे टेकीकार्डिया, कार्डिया, कार्डिया। और इसके अपोजिट जब कम हो जाएगी तो उसको अपन बोलेंगे ब्रैडीकार्डिया। तो यहां पे इसने इंक्रीज कम हो जाएगा, इंक्रीज के अंदर क्या हो जाएगा, टेकीकार्डिया। देन ए लार्जेस्ट हार्ट इज फाउंड इन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एलिफेंट के अंदर सबसे बड़ा हार्ट पाया जाता है, इसमें तो क्या ही है। देन अलारी मसल्स इज एसोसिएटेड विद, ये काम की चीज है। देखो जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच, ये वाली चीज आपको पता नहीं थी, ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। तो कॉकरोच के अंदर क्या होता है, कॉकरोच का जो हार्ट होता है उसके अंदर लगभग 13 चैम्बर्स होते हैं, और उन हर चैम्बर्स के पास में स्पेशल टाइप्स की मसल्स होती हैं जिनको अपन बोलते हैं अलारी मसल्स। तो कॉकरोच के हार्ट की बात है, और हार्ट किससे रिलेटेड होता है, सर्कुलेशन से। तो वो इसने पूछा है कि अलारी मसल्स इज एसोसिएटेड विद हार्ट एंड सर्कुलेशन, मेलपिजियन ट्यूब्यूल एंड एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड बात हो गई, ट्रेकिया एंड रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन की बात हो गई, इसमें स्पाइरिकल्स भी होते हैं जो बाहर की तरफ पोर होते हैं उनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं। फिर थर्ड चलते हैं, कार्डियक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय, कार्डियक आउटपुट अभी अपन ने बात की थी, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो किसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट के, हार्ट रेट के भी और स्ट्रोक वॉल्यूम के भी। तो करेक्ट हो जाएगा बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट है द चैम्बर ऑफ हिज थिकेस्ट वॉल, हिज थिकेस्ट वॉल, थिकेस्ट वॉल का मतलब वॉल थिक कब होगी, अंदर मसल्स ज्यादा होंगी है ना, मसल्स वाला पोर्शन वहां पे ज्यादा हो रहा होगा। तो हमने बात की थी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, जब पंप करता है तो ब्लड एरोटा से होता हुआ और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। एरोटा ऑब्वियसली बात है आगे चल के आर्टरीज के अंदर डिवाइड होती है, फिर कैपिलरीज बनती है, लेकिन वेंट्रिकल का काम क्या है, पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाने का। तो इस वेंट्रिकल को पूरी जोड़ लगा के और कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है, और कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा कौन, मसल्स करवाएंगी। तो इसका मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके पास में सबसे थिक वॉल होती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, ओरिकल नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर नेक्स्ट है दी वॉल ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ, तो वॉल के अंदर अपन ने बहुत सारे ऑर्गन्स देखे हैं, सबके पास में तीन लेयर्स ही होती हैं, बाहर वाली एपी, फिर मायो और फिर एंडो। अब क्योंकि हार्ट की बात हो रही है तो आगे कार्डियम लगा दिया, एपिकार्डियम सबसे बाहर वाली, मायोकार्डियम बीच वाली, और एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली। तो कौन सी होंगी, एपिकार्डियम भी होगी, मायोकार्डियम भी होगी और एंडोकार्डियम भी होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट, हार्ट बीट्स आर अफेक्टेड बाय, कौन
कौन अफेक्ट कर रहा है हार्ट बीट को? CO2, ऑक्सीजन, वेगस नर्व एंड ऑल अबव। तो देखो अगर बॉडी के अंदर CO2 बढ़ जाएगी, तो बॉडी के अंदर CO2 बढ़ गई इसका मतलब बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उस कंडीशन पे हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन, अगर मान लो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम जा रही है, तो फिर से हार्ट बीट जो होगी वो बढ़ जाएगी। और थर्ड है वेगस नर्व। वेगस नर्व 10th नंबर की हमारी नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, और ये भी हमारी जो हार्ट बीट वगैरह होती है इससे भी हमारा जो सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक जो सिस्टम होता है वो अटैच्ड होता है, तो इसके थ्रू भी हमारी हार्ट बीट अफेक्ट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आप कुछ बोल रहे थे बीच में है ना, क्या बोल रहे थे? नहीं मैम, हम तो ऐसे बोल रहे थे, फोर्थ आए दिया। द नेक्स्ट है हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट होती है? गंदा सा बन गया, सुंदर सा हार्ट बनाते हैं हमारा ना और ये हमारा ऑरिकल और ये हमारा वेंट्रिकल। तो हार्ट के जो नोडल टिश्यूज होते हैं उनके अंदर चार बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तो ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड हो गई। तो जो राइट साइड होती है वहां पे प्रेजेंट होती है हमारी SA नोड, फिर यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी AV नोड। थोड़ी ऊपर बना दी, थोड़ी नीचे होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी AV नोड। फिर इस AV नोड से यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बंडल ऑफ हिज, और फिर ये बंडल ऑफ हिज पूरी आगे की और पूरी वेंटिकल्स की वॉल में पहुंच रहे होंगे, उनको अपन बोलेंगे पुर्किंजे फाइबर। तो हार्ट बीट अगर अपन देखें तो सबसे पहले ओरिजिनेट होती है SA नोड से, इसी को अपन बोलते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट। यहां से ओरिजिनेट होने के बाद में वो पहुंचती है AV नोड के पास में, AV नोड से पहुंचेगी बंडल ऑफ हिज के पास में, और बंडल ऑफ हिज से फिर पूरे जो पुर्किंजे फाइबर होता है वहां तक जो भी एक्शन पोटेंशियल की जो भी वेव होती है वो पहुंच जाती है। तो हार्ट बीट कहां से ओरिजिनेट हुई? पेसमेकर से हुई, और पेसमेकर अगर पूछा जाए क्या है तो वो SA नोड है। जैसे ही सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल कहां पे जनरेट हो रहा है? SA नोड में हो रहा है, तो इसलिए सबसे पहले कॉन्ट्रेक्शन कौन करता है? ऑरिकल्स करते हैं, फिर ये फटाफट पहुंच जाती है AV नोड के पास में, और AV नोड से जल्दी से बंडल ऑफ हिज और फिर पुर्किंजे फाइबर के पास में। तो पहले इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन कंप्लीट होता है ऑरिकल्स के अंदर, फिर वेंट्रिकल्स के अंदर होता है। अपन ने बात की थी कार्डियक साइकिल के अंदर कि डायस्टोल एंड सिस्टोल। तो डायस्टोल के अंदर अपन ने बात की थी कि लगभग 0.5 सेकंड का ऐसा टाइम होता है जिसमें हार्ट और सॉरी ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल के अंदर होते हैं, ये अपन ने बात की थी ना। लेकिन जो सिस्टोल होता है, सिस्टोल के अंदर अगर अपन देखेंगे तो ऑरिकल अलग टाइम पे सिस्टोल करते हैं और वेंट्रिकल अलग टाइम पे करते हैं। इन ये दोनों जो चीजें हैं वो दोनों में साथ कभी भी नहीं होती। जो थोड़ा बहुत गैप होता है जो कि कुछ सेकंड्स का होता है ना, कुछ मिनी सेकंड्स का होता है, वो किस वजह से होता है? कि SA नोड से AV नोड के पास में आ रही है इन्फॉर्मेशन और फिर AV नोड्स को पुर्किंजे फाइबर तक पहुंचा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन एब्सेंस ऑफ मस्कुलर कॉर्ड? तो वेन्स दे रखी है, आर्टरीज दे रखी है, कैपिलरीज दे रखी है और आर्टरियोल्स दे रखी है। इनके अंदर अगर अपन बात करें कैपिलरीज की, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कैपिलरीज की हमने बात की थी कि कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो जो सिंगल मेम्ब्रेन, जो सिंगल सेल्स की लेयर्स की बनी होती है, यूनिसेलुलर लेयर्स की बनी होती है, तो मस्कुलर कॉर्ड की इसके अंदर बात ही नहीं हो रही। कैपिलरीज ही तो काम करती है सेल्स के पास में जाके O2 और CO2 का एक्सचेंज करवाने के लिए। अगर आपको एक ऐसा डायग्राम याद हो, मैंने एल्वियोलाई बनाई थी है ना, और नीचे यहाँ पे
कैपिलरीज वगैरह बनाए थे, तो मैंने आपको बोला था कि ये भी यूनिसेलुलर लेयर की बनी होती है और ये भी यूनिसेलुलर लेयर की बनी होती है। सेल्स के पास में जहाँ पे भी कैपिलरीज होंगी वो यूनिसेलुलर लेयर की बनी होंगी, तो इनके अंदर मस्कुलर कोर्ट की बात ही नहीं होती कैपिलरीज के अंदर। देन नेक्स्ट, द शोल्डर एंड फोर लिम्ब आर कनेक्टेड टू द हार्ट बाय। तो एज सच तो अपने ये वाला कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अपन ने सब क्लेविन आर्टरी की बात की थी। वहां पे अपन ने बात की थी कि जो सब क्लेवियन आर्टरी होती है, देखो सब क्लेवियन, क्लेवियन क्लेवियन से याद रख लो आप, क्लेविकल बोन। तो सब क्लेवियन आर्टरी कहाँ होगी? इस क्लेवियन बोन के आसपास ही होगी। और जो क्लेविकल बोन है वो आपको पता होगा कि हमारी जो पेक्टोरल गर्डल होती है उस पेक्टोरल गर्डल से निकल रही होती है। तो फोर लिम्ब की कौन सी चीज आ गई यहाँ पे? पेक्टोरल गर्डल से रिलेटेड क्लेविकल बोन आ गई, है ना। और दूसरा क्या पूछ रहे हैं? शोल्डर, शोल्डर की बात भी यही है। तो सब क्लेवियन आर्टरी क्या करती है? हमारा एक तो नेक वाला रीजन प्लस फेस वाला रीजन, या ऐसे बोल दो हेड, पूरे हेड, उनको ब्लड पहुंचाने का काम कर रही होती है हमारी सब क्लेवियन आर्टरी। ये हो सकता है आपको थोड़ा बहुत नया क्वेश्चन लगाओ, बाकी एकदम से ऐसा नया नहीं था, थोड़ा बहुत दिमाग लगा कि ये भी किया जा सकता है। ये तो सही सही हो गया, सही था ये तो। चलो बैठ गया। देन नेक्स्ट है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दोनों ऑरिकल्स के बीच के अंदर जो सेप्टम है उसके ऊपर जो पोर पाया जाता है, उसका जो पोर पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल। देन नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट अबाउट वेन्स। तो वेन्स के बारे में कौन सा करेक्ट है? पास में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज के पास में एब्सेंट होते हैं। अगर यहाँ पे आर्टरीज होती तो बात सही थी। देन कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, कि वेन्स क्या करती हैं? हार्ट है, हार्ट से जो भी निकलेगी हमेशा वो आर्टरी होगी, और जो भी हार्ट के पास में अंदर घुसेगी वो क्या होगी? वेन होगी। तो वेन क्या करती है? कैरी ब्लड टूवर्ड हार्ट, ये बात सही है। देन नेक्स्ट है ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि जो वेन्स होती है उनमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये बात तो गलत है क्योंकि आर्टरीज क्या करेंगी फिर। और देन नेक्स्ट है ऑलवेज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात सही है, लेकिन हमें पता है पल्मोनरी वेन जो होती है, पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स से आ रही होती है हार्ट के पास में, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर भी होती है। क्या क्या एक्सेप्शन है ये पल्मोनरी वेन की, क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा। हाँ ये एक्सेप्शन है, तो ये वाला सही हो जाएगा। देन इन फ्रॉग हार्ट देर आर कार्डियक मसल्स विच कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स कॉल्ड। इसमें क्या होगा? हमने तो चौथा किया था, कॉलोनी क्या है? क्यों फाइबर्स की बात कर रहे हैं ना, सिंपली पुर्किंजे फाइबर लिखा हुआ है, तो ज्यादा सोचने क्यों है, ज्यादा दिमाग लगाने फ्रॉग की बात आ फ्रॉग वाला था इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन पूछा तो फाइबर ही था ना। अच्छा कॉलमना कार्नी सुना है क्या अपन ने कहीं पे? सुना था पर ये याद नहीं है कि कहाँ पे सुना। देखो कॉलमना कार्नी जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के, वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है ना, क्योंकि अपन ने बात की थी कि वेंट्रिकल्स के पास में मसल्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनकी वेंट्रिकल्स के ऊपर मसल्स की वजह से जो अंदर की तरफ जो रीजेस बनती है, जो खांच सी बनती है ना, दरारें सी, उनको अपन बोलते हैं कॉलमनी कार्नी। ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ये टीलोडेंड्रियम थर्ड वाला क्या है? टीलोडेंड्रिया की बात करें क्या? चलो कर लेते हैं। देखो डेंड्राइट्स वर्ड सुन रखा है आपने, न्यूरॉन होती है वो तो न्यूरॉन होती है, और ये लास्ट में इसके डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं। अब ये जो यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, अगर ये
किसी दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ में सिनेप्स कर रहे हैं, है ना। दूसरी जो सामने से कोई दूसरी न्यूरॉन आ रही है, अगर उसके साथ में यहाँ पे सिनेप्स बना रहे हैं तो इनको अपन बोलेंगे टीलोडेंड्रिया। टीलो वर्ड यहाँ पे याद आ गया, वो तो हार्ट वाला है जो निकोरमाय नीम, ये भी नहीं पता। देखो मायोनीम्स शायद अपने तो है नहीं, अपन जब आगे अदर फाइलम्स वगैरह पढ़ेंगे ना तो उनकी बॉडी के अंदर मसल्स के कुछ ऐसे ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर ऐसे मसल्स के ये इस तरीके की कुछ वी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, उनको वहां पे अपन बोलते हैं मायोनीम्स। ये मसल से रिलेटेड होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स होती है। इसके अलावा अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपन बात करें तो मायोनीम्स जो होते हैं वो जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन फिलामेंट होता है उसके अंदर भी मायोनीम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो पुर्किंजे फाइबर है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज करेक्ट अबाउट साइनस विनोसस विनोसस विनोसस। इट इज सिचुएटेड ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ रैबिट हार्ट। देखो रैबिट, रैबिट क्या है, मैमल्स है। मैमल्स के अंदर अपने साइनस विनोसस पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, तो ये बात ही गलत हो जाएगी। फिर सेकंड है इट इज सिचुएटेड वेंट्रली इन फ्रॉग हार्ट। अब फ्रॉग का हार्ट 3 chambered होता है या 2 chambered होता है, 3, ठीक है। इनके अंदर साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है लेकिन वो वेंट्रल सरफेस पे नहीं होता, वो डोर्सल सरफेस पे होता है। साइनस विनोसस होता क्या है, अपन ने की थी क्या बात, यस। देखो जैसे अब हमारे अंदर क्या होता है, ऑरिकल होता है, वेंट्रिकल होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्रॉग वगैरह हो गए, फिशेस वगैरह हो गए, इनमें ऑरिकल से पहले एक स्ट्रक्चर और आती है जिसको अपन बोलते हैं साइनस विनोसस, और वेंट्रिकल के उधर दूसरी एक स्ट्रक्चर आती है जिसको बोलते हैं कॉनस आर्टेरियोसिस। तो ये साइनस विनोसस की बात कर रहा है जो फिशेस के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है इट सेंड्स ब्लड टू डॉर्सल, इसमें करेक्ट कुछ है क्या? हाँ जी, ठीक है। इट सेंड्स ब्लड टू डॉर्सल एरोटा। डॉर्सल एरोटा कहाँ पे, एरोटा की बात तो वेंटिकल्स के पास में होंगी, ये तो जबकि ऑरिकल के अंदर खुल रहा है तो ये चीज भी गलत हो जाएगी। और लास्ट है इट ओपन्स इनटू राइट ऑरिकल, तो ऑरिकल वाली बात आ गई तो ये वाला सही है। और अगर रैबिट के अंदर देखा जाए या मैमल्स के अंदर देखा जाए तो ये इनिशियली प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर कहीं ना कहीं, लेकिन धीरे धीरे बाद में जाके जो राइट ऑरिकल होता है उसकी वॉल के अंदर जाके ये मिल जाता है, डिसअपियर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इन एम्फीबिया द हार्ट हैज, एम्फीबिया में क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस रेफर्स टू एलिमेंट ऑफ। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा था, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का डिपोजिशन हो रहा था क्या कहीं पे? Yes, yes. है ना, तो कोरोनरी आर्टरी के ऊपर क्या हो रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल है और फिर उस कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ में कुछ अमाउंट के अंदर जो सॉल्ट्स वगैरह हैं, कैल्शियम वगैरह हैं, वो भी आके डिपॉजिट हो जाते हैं और वो किसको अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली हार्ट को। तो ये हो गई बात इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कटा कटा सा आ रहा है। इन रैबिट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से फ्लो हो रहा है? रैबिट मतलब मैमल्स, मैमल्स मतलब 4 chambered हार्ट, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, राइट के अंदर हमेशा इम्प्योर और लेफ्ट के अंदर हमेशा प्योर, प्योर बोल दो चाहे ऑक्सीजनेटेड बोल दो। इसने क्या पूछा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से फ्लो हो रहा है, तो
ऊपर ऑरिकल और नीचे वेंटिकल, यहाँ पे तो इम्प्योर है तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, प्योर वाला देखेंगे। प्योर वाले के अंदर और जो लेफ्ट ऑरिकल है उसके अंदर प्योर ब्लड आता है लंग्स से, फिर यहाँ से ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी के अंदर। तो ऑप्शन में देखो पहले भी आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल टू सॉरी लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टॉल। सेकेंड है राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल की बात ही नहीं होगी, राइट वेंट्रिकल की बात ही नहीं होगी। देन थर्ड है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कहाँ से निकलेगी, पल्मोनरी वेन तो लेके आ रही है ब्लड, पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट ऑरिकल ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टॉल, ये बात भी गलत है, तो सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। देन है हार्ट ऑफ एलिफेंट इज न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक जो नर्व्स के कंट्रोल में हो और मायोजेनिक जो मसल्स के कंट्रोल में हो। इनवर्टिब्रेट्स को छोड़ दें तो सब में कौन सा हार्ट होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है, मायोजेनिक। हाँ जी। देन है थोरेसिक डक्ट इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद, थोरेसिक डक्ट मतलब किसकी बात हो रही है, नेक वाले रीजन के अंदर। अच्छा ये पूरा ही बताना पड़ेगा, रुको फिर, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ था। थॉरेक्स के अंदर देखो ये जो थॉरेसिक डक्ट है कहाँ पे होगी, थॉरेक्स के अंदर होगी, थॉरेक्स के अंदर। अभी अपन ने बात की थी कि सब क्लेवियन वेन होती हैं, ठीक है, दो सब क्लेवियन वेन हो गई, तो थॉरेसिक डक्ट के अंदर क्या होता है, दोनों तो सब क्लेवियन वेन, और इन सब क्लेवियन वेन के साथ में एक दूसरी वेन जुड़ती है जिसको अपन बोलते हैं जुगलर वेन। ये तीनों जब मिल जाती है तो मिलने के बाद में ये फॉर्मेशन करती है थोरेसिक डक्ट का, है ना, थोरेसिक रीजन के अंदर, और उसी को अपन बोलते हैं इनोमिनेट वेन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अब देखो यहां पे अगर देखना चाहे तो हिपेटिक डक्ट को सीधा सा काट दोगे, लीवर से रिलेटेड है, पुर्किंजे फाइबर हार्ट से आ रहे हैं, एरोटा वैसे किसमें ना सही था, ये भी सही था, ये वो इजी वाले में अपने दिमाग, क्योंकि फाइबर्स हो नहीं सकता थी तो वो लीवर होती है, हेपेटाइटिस लीवर के अंदर होती है, ये ऑप्शन के चक्कर में हो गया सही। The next is how many double circulations are normally completed by human heart in 1 minute? तो एक heart एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, बेहतर बार धड़कता है, तो 72, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क। डबल सर्कुलेशन ही तो होता है ना हमारे अंदर, एक साइड इम्प्योर ब्लड आ रहा होता है, एक साइड प्योर ब्लड आ रहा होता है, दोनों अलग अलग चलते हैं। फिर है इन मैन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज इम्प्लांटेड ड्यू टू डिफेक्ट्स इन, किसमें डिफेक्ट होने से अपन आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं, ऐसे क्योंकि हार्ट तो ऐसे नोड ही है। देन नेक्स्ट है मैमल्स आर सेड टू हैव ए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब इम्प्योर ब्लड अलग रहेगा और प्योर ब्लड अलग रहेगा, पहली बात। दूसरी बात इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास में, तो हार्ट उसको किसको भेजता है, लंग्स को भेजता है, फिर लंग्स वापस हार्ट को भेजते हैं और फिर ये वापस बॉडी को भेजते हैं। ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो दैट द ब्लड वेसल्स आर पेयर्ड, गलत बात है। दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ये भी गलत बात है, आर्टरी और वेन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये कट गया, मतलब जो मेन काम की बात थी वो कट गई। That there are two systems, one from heart to lungs and back to the heart. उसके बाद में क्या है? And back to the heart and from the rest of the body. यही है हमारा सही ऑप्शन तो, ठीक है? और फिर आया कि that the blood circulates twice as quickly. ये बच्चों वाला सा आंसर होगा तब तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो ये ऊपर वाला ही होगा। देन है स्फिग्नोमैनोमीटर, किसको मेजर करता है, तो बीपी को,
देख रखा है ये तो सबने। और फिर थर्ड लास्ट है कि इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी, ईसीजी की बात हो गई तो वेव पूछेगा, तो अपन वेव बना लेते हैं। ये पी वेव हो गई, पी के बाद में क्यू, ज्यादा ही नीचे चले गए, क्यू आर एस, थोड़ा सा साफ करते हैं, ज्यादा ही कट गया। क्यू आर एस, फिर ऊपर आओ वापस, फिर यहाँ पे कहीं पे टी होगी, तो ये पी होगी, ये क्यू होगा, ये आर होगा, ये एस होगा, और यहाँ पे फिर से जो आएगी वो टी वेव होगी। पी वेव की बात की जाए तो ये कब आती है, जब ऑरिकल्स के अंदर डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, ऑरिकल्स के अंदर जैसे डीपोलराइजेशन होगा फिर किसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है इसको कंप्लीटली क्या डिनोट करेंगे अपन, वेंट्रिकुलर और टी वेव के अंदर क्या आ जाएगा फिर, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब यहाँ पे ऑरिकल का रिपोलराइजेशन क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रहा था तो ऑरिकल्स के अंदर रिपोलराइजेशन हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑफ द ह्यूमन हार्ट। आर, आर का मतलब है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, आर आर तो डिपोलराइजेशन के बारे में है, गलत है। एस ए स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, ये भी गलत है। टी एंड ऑफ डायस्टोल, ये भी गलत है। फिर पी डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम, ये बात सही है। अगर इसके अलावा अपने को यहाँ पे पूछ ले कि पी वेव कब होती है, जब ऑरिकल्स के अंदर डिपोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन का मतलब ऑरिकल्स क्या करेंगे यहाँ पे, कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे जो एस ए नोड होती है वो एक्टिवेट होती है। ये भी ध्यान में रखना कि जैसे ही ऑरिकल्स के अंदर डिपोलराइजेशन होगा एस ए नोड से जो कॉन्ट्रेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के अंदर आते आते बंडल ऑफ हिस्से होता है वो पुरकिंजे फाइबर तक पहुंच जाएगा। देन सेकेंड लास्ट है, इम्यूनोग्लोबिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, इम्यूनोग्लोबिन्स बोले तो एंटीबॉडी, कौन प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट्स, ये तो सीधा सा है, लिम्फोसाइट्स। देन है लिम्फोइड टिश्यू इज फाउंड इन, थाइमस में भी होता है, ट्रांसिट में भी होता है, लिम्फ नोड्स में भी होता है, ऑल अबव, तो ये हमारे 35 क्वेश्चंस थे। पेपर तो ठीक था ना, उतना टफ नहीं था ना, पेपर अच्छा था, थोड़ा सा आराम से करने वाला था, थोड़ा सा सोच के आराम आराम से। किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, फिर कल अपन। हेलो, हाँ जी, नहीं बोले इसलिए मैं सोचा बंद कर दे, वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा, मैं से बोल रही थी, इनके अलावा किसी को कोई डाउट है, किसको डाउट होगा, नहीं डाउट तो नहीं हो रही थी, पॉपकॉर्न वगैरह रैबिट और ये होगा ना, इनका सिर था क्वेश्चन आए तब समझ में आई। हाँ वो मैडम अलग से आएगी। हाँ तो देखो अपन जो पढ़ रहे हैं ना उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो होती है वो कई बार क्वेश्चंस के थ्रू ही ऐड होती हैं, वरना फिर मतलब नहीं, नहीं वैसे अलग से भी तो है मैम ये, हाँ आगे चल के आएंगे, टॉपिक तो है, फ्रॉग पढ़ेंगे, फ्रॉग पढ़ना है अपने को, कॉकरोच पढ़ना है अपने को, अर्थवर्म पढ़ना है, लेकिन अब जो चीजें यहाँ पे रिलेट कर रही है वो साथ में चलेंगे ना। यस, अब ऐसे तो होगा नहीं कि मैं 35 क्वेश्चंस दूं आपको और उनके अंदर आपको सारा कुछ इजी पूछ लिया जाए और आप फिर खुश होकर आ जाओ कि हाँ बहुत शानदार पेपर हुआ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा अच्छा पेपर, मतलब आने वाला पेपर है।
चलो फिर कल मिलते हैं। तो बढ़िया ही है। चलो इसमें से नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो देखो अपन ने जब 35 क्वेश्चंस की बात की है तो अपन ने हर ऑप्शन की बात की है, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में उससे हाँ चीजें रिलेटेड आई है ना। नहीं, मैं वो जो हर क्वेश्चन को अगर देख रहे ऑप्शन को, सभी ऑप्शंस को अगर देख के चल रहे हैं तो भाई पूरा का पूरा तो हो ही गया ना, चैप्टर भी हो गया पूरा, रिवाइज भी हो गया। रिवाइज हो गया पूरा। हाँ वही बात है। नहीं कुछ बातें तो आप समझ में है, क्वेश्चन से समझ में है वो बात। एक काम तो होता है पढ़ना और दूसरा होता है उसको अप्लाई करना, जो पढ़ा है उसको। तो जब तक अपन अप्लाई नहीं करेंगे सही से, तो वो पढ़ा हुआ काम का नहीं है। कुछ तो मैडम ये अंग्रेजी खा जाती है। जब एग्जाम देने जाओगे ना, तब तो जो हिंदी आएगी ना उसको नहीं पढ़ोगे आप, इंग्लिश को ही पढ़ोगे, क्योंकि वहां का तो वैसे भी खतरनाक है ना। वो उस समय तो ठीक हो जाता है, चलो दोनों बाई लैंग्वेज उसके अंदर तो दे, यहाँ पे तो थोड़ा सा ऊपर से ही जाता है सीधा। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। यस ओके गुड नाइट। ओके थैंक यू। मौका मिल हाँ ऐसे धीरे धीरे ना आपको नहीं बाइलिंगुअल मैडम, हो जाएगी, फिर हिंदी वाला अजीब मैडम लगेगा। पक्का कर दी, क्या मैडम पक्का कर दी, कुछ शिकायत हो गई। हेलो हाँ कुछ तो फर्क पड़ेगा। मैडम, ओके मैडम से बात तो कर लेंगे। वो इंग्लिश अलग आएगी, ये इंग्लिश अलग ओ आएगी। अरे मैडम इतनी तो आए, फ्रेंच वाली तो आती है, बस ये अपने वाली नहीं आती लोकल। चलो ओके बाय। ओके।